अच्छा नॉर्मल लोगों के नाम निकनेम होते हैं ना, बिट्टू चीकू बेबी बोल देते हैं, शत्रु सर का नाम एकदम दबंग वाला है, निकनेम भी शॉटगन। सर ये नाम किसने दिया आपको? ये शॉटगन की माँ है शोभा डे। शोभा डे जो बहुत बड़ी जर्नलिस्ट हैं जी। दरअसल मेरा नाम तो शत्रुघ्न है ना, SHATRUGHNA जी, शत्रुघ्न। मैंने थोड़ा सिंपल किया, ये FTIs निकल रहा था, मैंने कहा नाम कैसे लोग याद रखेंगे, तो मैंने शत्रुघ्न को शत्रुघ्न कर दिया, SHATRUGHAN। मैं समझा आप कहानी ख़त्म हुई, लेकिन दरअसल कहानी वहीं से शुरू होती है। भिन्न भिन्न प्रांत के लोग आज तक मेरा नाम किस तरह भिन्न भिन्न तरीके से उच्चारण करते हैं। मिसाल के तौर पे मेरे बंगाली फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं कि रे शत्रुघ्नो कैमन आशीष, शत्रुघ्नो डॉक्टर नो का भाई बना दिया है। हमारे पंजाबी फ्रेंड अभी तक मुझे कहते हैं ओ की हाल है शत्रुगंज, दरियागंज, पहाड़गंज, शत्रुगंज। वो हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो आज तक मुझे कहते हैं, वो तो सरनेम और फर्स्ट नेम दोनों बदल दिया। अब हमारे शाम का मुख अतिथि आता है, जोरदार से ताली से आप उनका स्वागत करेंगे, मिस्टर शत्रुघ्न सिंहा। उसी तरह से हमारे बहुत सारे ये बिहार के लोग हैं, अब वो अपने इतना मानते हैं बिहारी बाबू, प्यार करते हैं, तो बोलते देखिए आ गया हमारा मुख अतिथि अभी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे हम शत्रुघ्न नहीं है, तो कहता दोबारा तो करेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन आपके मामले में एक बार दोबारा कर देते हैं, अभी आ गया हमारा मुख अतिथि बाबू शत्रुघ्न सिन्हा। अरे हमने कहा कि देखो भैया ना मैं हन हूँ ना धन हूँ, मैं शत्रुघ्न हूँ। कहता देखिए बिहारी बाबू जो मजा हन या धन में है वो घन में नहीं है। एक बार पाकिस्तान पहुंच गया, उन्होंने कहा जहां ख्वातीन हजरात शाम के जलसे के सत्र महफिल तशरीफ ला चुके हैं, हम उनका खैर मकदम करते हैं जनाब शत्रुमुर्ख सेना। अबे शत्रुमुर्ग सेना, अरे शत्रुमुर्ग सेना, सेना भी उधर शत्रुमुर्ग। मैं थक हार के वो नाम को इस तसल्ली के साथ कर गया, इस नाम को स्वीकार के, धन्य है हमारा भारत देश जहाँ शत्रु को भी लोग प्यार करते हैं अगर अच्छा काम करें तो। पर सर आपके बड़े सारे नाम और भी हैं, जैसे कॉकटेलाइज, लेडी किलर, ये सब भी नाम आपके पड़े हुए हैं, बहुत सारे लोगों से सुने हैं, तो ये किन्होंने रखे सर? अरे रखे जितने भी हो, बगल में पत्नी बैठी हुई तो पूछने के पहले आप। बेवकूफ ना हो तो। ये सब बातें कोई पत्नी के सामने करता है क्या? आपको तो अभी पत्नी की आदत नहीं, ताजा ताजा आदत पड़ी है। सर धीरे धीरे सीख जाएंगे सर। हाँ, सीख जाएंगे। इसीलिए हम चाहते थे कि आप जल्दी जल्दी आए और थोड़े थोड़े अच्छे अच्छे टिप्स दे दें। कितने सारे टिप्स दिए हैं? बहुत सारे सर। अब तो बूमा बूम हो जाइएगा। मैं आप सबको बता दूं कि यहाँ पे शत्रु सर और पूनम मैम के चश्मे चिराग लव सिन्हा वो भी यहाँ पे मौजूद है, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। लव प्लीज आप भी थैंक यू मंच पे आ जाइए, जोरदार तालियों से एक बार स्वागत हो जाए। लव कैसे हैं आप? बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। चलो इतने मजेदार किस्से, मुझे तो लगता है कि आपके मम्मी पापा आपस में बातें करते रहे, तो आपका तो एंटरटेनमेंट कितना होता होगा घर पे? नहीं बहुत होता है, पर ये सब कहानियां मैं सुन चुका। अच्छा। लव और कुश जो हैं और सोनाक्षी, तीन बच्चे हैं, तो सबसे ज्यादा प्यार किसको मिलता है? लव नाम के हिसाब से तो लगता है कि आपको, कि हर कोई बोलता होगा हाय लव। बहुत दुख भरी कहानी है, नाम तो लव रख दिया पर सबसे ज्यादा प्यार सोनाक्षी को ही दिया। अरे भाई तो ये जमाना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। पर ये सच्ची बात है सर, बेटियों को ज्यादा प्यार मिलता है। मेरे भी ना, मेरे पापा जब थे तो मेरी बहन को बड़ा प्यार से उठाना, ऐसे पैर दबाने, बेटा उठ जा स्कूल जाना, ये वो हमारी रजाई खींच लेते थे ऐसे ही, और ये भी नहीं देखते थे मुंह हमारा इस तरफ है या उस तरफ है, बड़ा अजीब से तरीके से उठ जा तुम्हें उठ जा। हमारे साथ ऐसा होता था। लव कभी ऐसा हुआ जब आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हो, आपका बचपन में हो जाती हैं तू तू मैं बच्चों में आपस में, तो आपका किससे पंगा हो गया और बाद में उनको पता चला हो कि आप शत्रु साहब के बेटे हैं जी, तो फिर उसके बाद भाग गए हो, ऐसा हुआ कभी? झगड़ा हुआ। अच्छा। हम लोग बोर्डिंग स्कूल में थे।
अच्छा वहाँ पे कोई ये नहीं दिखता था कि आप कहाँ से हो, किसके बेटे हो. झगड़ा हुआ तो मतलब आपको खुद उसे मतलब हैंडल करना होता था, और ये अच्छी बात थी. आई थिंक कि आपको ये नहीं देखना चाहिए कि आपके पिताजी कौन है, आप कहाँ किस घर से आ रहे हैं. आपको अपने आप जिंदगी का सामना करना चाहिए, और ये मैं मानता हूँ, मैं इन्हीं से सीखा हूँ. अरे वाह, क्या बात है. गुड, वेरी गुड सर, मुबारक हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे निकले. माँ की वजह से. सोनाक्षी से तो हम बहुत बार मिल चुके हैं, और मेरी तो बहन बनी हुई है शत्रु सर. जी जी. पर आपको तीनों को मिलके इतना अच्छा लग रहा है कि इतनी अच्छी फैमिली है, इतनी प्यारी बातें करते हैं आप लोग. हम धन्य हो गए सर आपको आज शो में यहाँ पे बुलाकर. थैंक यू सो मच. वैसे अगर आप कहें तो मैं अपने परिवार की तरफ से दिल की बात कह सकता हूं. जी प्लीज सर. और दिल की बात यह है कि ये कार्यक्रम बहुत अच्छा, और आपकी पुनर्जागृति देखकर, आपका पुनरुदय देखकर उरूज पे बहुत अच्छा लगा. और इतने बढ़िया लोग आपके टीम है वहां पे, सब लोग बैठे हुए हैं, और सोने पे सुहागा चार चांद जो लगाता हमारा अपना भाई, अपना प्यारा न्यारा, अपना जी. थैंक यू सर. शानदार, जानदार और दमदार, ये हमारा अपना नवजोत सिंह सिद्धू कमाल करता. और ऐसी ऑडियंस, ऐसा शो, मैं नहीं समझता हूँ आज के दिन में हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा शो होगा. थैंक यू, थैंक यू. सत्यजी नमस्ते. पूनम जी, सिद्धू जी, हाउ आर यू? यार कपूर शर्मा, व्हाट यू आर डूइंग? ये क्या कर रहे हैं आप यार? आज के दिन में इंटरव्यू इंटरव्यू मत कीजिए, डायरेक्टली इलेक्शन कीजिए. इलेक्शन क्यों? अरे दोनों पार्टी आमने सामने मौजूद है, हो जाए यार. अच्छा शत्रु जी, हाँ. सर बहुत बड़े फैन है हम आपके. क्या हम आपके काली चरण छू सकते हैं? देखिए यार, हमारा नसीब देखिए, तकदीर देखिए हमारी. हमने सर, आपने रियलाइज किया, बातों ही बातों में हमने आपका नसीब, तकदीर, कालीचरण, तीन पुराना पिक्चर का प्रमोशन कर दिया यार. सर अब हमने प्रमोशन कर ही दिया, हम तो कहते हैं पिक्चर को री रिलीज भी कर दीजिए, आज भी सुपर हिट होगी. वैसे पूनम जी, आपको सल्यूट है. नहीं, लोग शत्रु से मित्रता नहीं करते, आपने डायरेक्ट शादी कर लिया. अरे यार लव जी, बड़ा हैंडसम लग रहे हैं आप. धन्यवाद. अच्छा पूनम जी, आपने साबित कर दिया कि लव सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं. लेकिन जब लव हुए होंगे, आप कुछ तो बहुत हुए होंगे. ये लीजिए, कुछ भी आ गए यार. लव एंड कुछ दोनों आ गए. मैं आपको एक बात बताऊं, जब लव कुछ पैदा हुए, हमें मौका ही नहीं मिला कि इनका कोई और नाम सोचे हम. अच्छा, क्योंकि मनोज जी का फोन आ गया कि अरे रामायण में तो लवकुश आ गए, अब तो लवकुश के अलावा इनका कोई नाम हो ही नहीं सकता है. वाह वाह वाह. और सबने आज तक यही समझाया कि लवकुश, देखो हमने सजेस्ट किया था ना, हेमा मालिनी ने यही कहा, सुनील दत्त साहब ने यही कहा, सबने कहा लवकुश लवकुश, और सब अलग मिलते थे. हमने बोला था ना लवकुश. नहीं, लेकिन मनोज भैया ने बोला था कि रामायण में लव कुश आ गए. हाँ, प्यार से ही कह रहा हूँ मैं. And it was true. खामोश, शिकायत से ही कर रहा हूँ. और जब ये पैदा हुआ तो आके नर्स कहती, आपके घर में बहुत सारी चर्बी हुई है. नहीं, चर्बी का, हम एक्चुअली ना से आटा पैदा हुए थे. हमारी माँ ने गूंद गूंद के हमें मनुष्य बनाया, वरना एक्चुअली हमारे पराठे बनने वाले थे. बेकार का बात करता है. चर्बी कैसे पैदा हो सकता है? कुछ भी बोलते हैं यार. कुछ भी बोलते हैं यार. वैसे लव जी, जी. आपसे एक रिक्वेस्ट था. आपका शादी हुआ नहीं है, लेकिन जब भी शादी होगा ना, लव मैरिज कीजिएगा, वरना सुनने में बड़ा अजीब लगेगा कि लव ने अरेंज मैरिज किया है. भाई लव से कहीं भरोसा ही ना उठ जाए, लव ने भी अरेंज मैरिज कर लिया. एक चीज की आपने शादी के बारे में पूछा मुझसे, मैं कहना चाहूंगा कि शादी जब होगी मेरी जी, मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है मेरे पिताजी से, कि शादी के पहले क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा, और शादी के बाद भी क्या क्या नहीं करना चाहिए वो भी सीखा. ट्रेनिंग अच्छा मिला है. बच्चा तेरा हो गया, चल निकल. नहीं, तेरा नहीं, हमारा 11 हुआ है.
13 में 2 साल बाकी है विद सर हमारे 11 बच्चे हैं आपकी दुआ से हमारी मेहनत से मुबारक हो बहुत-बहुत शुक्रिया और बस सर यही चाह रहे थे कि आप लोग ना हमारे बच्चों को आशीर्वाद दे दें तो इसी मनोकामना के साथ हम यहां पर आए हैं वाह 11 11 बच्चे से तुझे शर्म नहीं आती नहीं हमको तो मजा आता है बच्चे क्यूट होते हैं यार तो अच्छा लगता है प्यारे प्यारे बच्चे हैं वैसे सर सच बताएं मैम हमारा एक ही बच्चा था हम उसको स्कूल में भेजे स्कूल से रोज रोज फोन आया कि बच्चे पे ध्यान दो हमने ध्यान दिया तो 10 और आ गए क्या करें नॉट इन माय हैंड यार वैसे लेकिन इनको आशीर्वाद जरूर दीजिएगा हमने उनको अभी गार्डन में घूमने भेजा है भाई ले आओ यार लाओ 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 ये ओह दैट्स सो स्वीट हमारे चार बच्चे हैं ये बच्चों के नाना हैं आज नाना जी नमस्ते अरे नहीं नहीं भाई इतना इज्जत देने का जरूरत नहीं है वो वाले नाना नहीं है तो कौन से अरे वो क्या एक नानी होता है ना बच्चों को मिली नहीं तो हमने नैना रख लिया नैना ओके हो गया भाई आपका चलो थैंक यू अरे अरे हां जी इतना प्यार नहीं दिखाना संभाल कर रखो ए देखिए यार हमारे चार बच्चे सर हम इनका नाम रखते हैं ये जो है ये चप्पल गंजू है ये विश्वनाथ है ये तीसरी आंख के काली चरण सर को हेलो बोलो बच्चों हेलो बोलो नहीं सर आपके बहुत बड़े फैन है इसके लिए खामोश वंडरफुल वैसे कप्पू शर्मा आप एक ऐसा गोद में लेना चाहेंगे हटना मैं नहीं लूंगा तू संभालना कहीं सुसु कर दिया तो नहीं सुसु नहीं करेगा सुसु ये सिर्फ शाम को करता है शाम को क्या तूने अलार्म सेट करके रखा है इसका नहीं नहीं सर क्या होता है कि शाम को पूरे मोहल्ले में खाना बनता है ना तो कुकर की सीटियां बजती है और सीटियों की आवाज सुनते ही इनकी टूटियां खुल जाती है ओए इतने मिलवा दिया अपने बच्चों को चल अब जा चलो आशीर्वाद के लिए लेकर आए हैं वैसे सर एक से एक नॉटी बच्चा है जो चप्पल गंजू है यहां पे अजीब अजीब सवाल पूछता है हमसे कहता है कि पापा एक साल सो नहीं आया हम कैसे आ गए तूने बताया नहीं बेटा शो बंद था मैं नहीं सर ये कप्पू शर्मा आप एक काम कीजिए हाँ. सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले आप खामोश लीजिए सर हम बता रहे हैं जो चप्पल गंजू है बहुत ही नॉटी है सर सारा दिन अंगूठा चूसता रहता है तो उसमें क्या है सारे बच्चे अंगूठा चूसते हैं उसमें लेकिन खुद का चूसते ना यार काली चरण का चूसता है यार चूस चूस के काली चरण का पूरा अंगूठा खत्म कर दिया यार काली चरण को चूसना होगा तो क्या चूसेगा यार इनके बारे में सोचा है आगे जाके क्या करेंगे ये हाँ हमने इसके बारे में सोचा है अरे जो तीसरी आंख है ना ये सिन्हा फैमिली का हिस्सा बनेगी ये बड़ी होके बनेगी सोनाक्षी सिन्हा ऐसे क्यों क्योंकि इसे थप्पड़ से डर नहीं लगता बच्चा तेरे बच्चे इतने शरारती हैं तो तुझे स्कूल वाले बुलाते नहीं है पेरेंट्स मीटिंग के लिए नहीं नहीं हम पेरेंट मीटिंग ढकोसला है यार सर ये पेरेंट्स मीटिंग क्या होता है हम गए वहां पर तो अभी हम बच्चे के पेरेंट्स तो आ गए हैं टीचर के पेरेंट्स आए नहीं नहीं मतलब टीचर को कंप्लेन करना है बच्चे का तो हमसे बात करते हैं हमें टीचर का कंप्लेन कर रहे हैं किससे बात करें अच्छा गुड वन गुड वन इतना गुरूर है टीचरों में पेरेंट्स को भूल गए यार बुलाते नहीं है बहुत प्यारे हैं बच्चा ये हम ऐसा इनका ये ग्रो करके रखे हैं यार क्या भीड़ भाड़ में कहीं खो जाए तो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए हम तो चोटी पकड़ के खींच लेते हैं यार मिल गए बच्चा चल अभी इनको एक वो करके दिखा वो जो दूरी एग्जिट होती ना चले तो हम जाएंगे लेकिन आपको ऐसा कुछ कमी सा महसूस होगा फिर जॉक्स जॉक्स अरे सर सर आओ बता दो आज देखिए सर डिमांड किया है तो एक जॉक सुनाना पड़ेगा सुनाए सर बिल्कुल ठीक है एक बार ना लव और कुछ जंगल में जा रहे थे खड्डा आया लव उसमें गिर गया बताइए क्यों क्यों बिकॉज लव इज ब्लाइंड गिर गया यार
लेकिन उसके पीछे पीछे कुछ भी उस खड्डे में कूद गया, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि लव के लिए साला कुछ भी करेगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.